अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कीमा बिरयानी शेयर कर रही हूँ, उसकी रेसिपी। तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़े कम चावल ले लिए हैं, और साथ ही मैंने 1 किलो बीफ कीमा ले लिया है। और जितने गिलास हमारे चावल हैं उतने हिसाब से मैंने 1 मीडियम ऑनियन को बारीक जो है चॉप कर लिया है। और इसके साथ हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, जो मैंने 2 टेबलस्पून ले लिए हैं। और ज़रदा रंग ले लिया है, और ज़रदा रंग हम जो है सिरके में मिला के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने सिरके के इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ 1/4 टीस्पून ज़रदा रंग है। और कुछ जो है मैं सब्ज़ मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे उस वक्त डालेंगे तो बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। और मैं अपने होममेड मसाले से तो आज नहीं बना रही, लेकिन आप लोगों के साथ आज मैं शान का कराची बीफ बिरयानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिन लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं किया वो ज़रूर इसको ट्राई करें, इससे बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो है बिरयानी मसाला यही है, मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप माइल्ड खाना चाहते हैं तो एक बिरयानी मसाला भी बहुत होगा इतने चावलों में। और अगर थोड़ा सा आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसके दो एक दो और चम्मच आप जो हैं या वो ऐड कर लें, तो आपकी जो है ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगी बिरयानी। तो चलें आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है, हम तेज़ गर्म पानी जो आपके टैब्स में बॉयलर आता है पानी, उसको उससे जो है हम चावलों को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। तो हम अपना टैब ऑन कर लेते हैं कि हमारा जो है गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाए। फिर हम इसको गीज़र के गरम गरम उबलते हुए खोलते हुए पानी से चावलों को अच्छी तरह धो के इसको भिगो देंगे, और साथ हम चावलों का पानी जो है उबलने रख देंगे। जितनी देर में उसमें उबाल आएगा उतनी देर हमारे चावल जो हैं 5 से 10 मिनट तक इसमें भीगे रहेंगे। तो मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। हम अपने चावलों को अच्छी तरह इसमें वॉश, जब भी आप चावल बनाएं उनको तेज़ गर्म पानी से धो के भिगो के बनाएं, तो आपके चावल जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये आप ये वाली टिप आप ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा। चावल उबालने के लिए पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया, और हम इसमें तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून जितना सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हमारे मसाले में भी ऑलरेडी सॉल्ट है, मसाले में भी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा चावलों में जो है 1 से 2 टेबल स्पून जितना बस सॉल्ट डालेंगे। अब जब हमारे पानी को बॉईल आएगा तो फिर हम अपने चावल ऐड करके और इसको 80% जो है बॉईल कर लेंगे। और जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं, साथ ही हम अपना मसाला कीमे का वाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जो है 1 कप मैं वो ले लूँगी ऑयल, मैं 1 कप जितना ऑयल लूँगी, क्योंकि मैं कीमा ले रही हूँ बीफ का, तो उसमें भी ऑलरेडी जो है फैट होता है, तो वो भी अपना फैट रिलीज़ करता है। तो अभी फ़िलहाल अभी तो मैं 1 कप जितना ऑयल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हम अपने जो मैंने चॉप ऑनियंस रखे हुए थे उसको मैं ऐड करने लगी। हम अपने चॉप ऑनियंस जो हैं उसको ऐड कर दिया हमने ऑयल में, और हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, तो इसको कुक करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब हमारा प्याज ऐसा ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा और ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें अपना कीमा जो है उसको ऐड कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसको ज़रा अच्छे से बना लेंगे, ताकि ये इसकी लम्स जो हैं वो गुठलियाँ गुठलियाँ से ना बने, और ये कीमा जो है हमारा निखरा निखरा बने।
अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसको ऐड कर देंगे। ये बिरयानी बहुत जल्दी और फटाफट से बन जाती है। हो चुका है, तो अब इसमें हम जो है अपने चावलों को हमने ऐड कर लिया है और इसको तकरीबन हम 80% तक जो है 80% तक इसको हम कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारा कीमा बनके तैयार है। कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है और ये अपना सारा ऑयल जो है रिलीज कर चुका है। तो ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, वरना आपकी बिरयानी उबले हुए चावलों की तरह लगेगी, तो वो ज़रा जायका और टेस्ट इतना मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा कीमा जो है बनके तैयार है और हमारे चावल जो हैं यहाँ पे बॉइल्ड हो रहे हैं। तो जब तक हमारे चावल बॉइल्ड हो रहे हैं ये डन है, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और हम अपने चावल बॉइल करके फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि आगे हमें क्या करना है। ये हमारे चावल जो हैं ये बॉइल्ड हो गए और इसमें हमने एक कनी रख लिया है। अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। ये हम अब एक लेयर चावलों की जो है हम नीचे लगाते रहते हैं अपने पतीले के, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम फैला के चावलों की एक लेयर जो है लगा रहे हैं। अब हमने जो बना लिया है एक लेयर लगा लिया है, तो जो हमने कीमा बनाया था अब हम इसको जो है इसकी लेयर जो है अपने चावलों पे फैला देंगे। ये हमने अपने कीमे की पूरी लेयर जो है इसको फैला दिया। अब हम अपने बाकी चावलों को उसके ऊपर डाल देंगे। हमने जो 1/4 टीस्पून जर्दा रंग लिया था उसमें हम 6 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सिरके के, और जो है ये देखिए ये हमने शामिल कर दिया और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला देंगे। मैंने इसको इसलिए मिक्स नहीं किया कि कुछ जर्दा रंग जो बच गया तो वो एक ही कलर से दो किस्म के कलर्स का कलर जो है चावलों में। हरी मिर्चें ली है जिसको हम चॉप करके ऊपर डाल लेंगे। और अब हम इसको 15 मिनट्स का दम लगा देंगे और मैं इसको अखबार का दम दूंगी, तो अखबार से बहुत अच्छा दम आता है चावलों को, तो इसको अखबार का दम देके दूंगी और 15 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी कि हमारी बिरयानी कैसी लगती है। आफ्टर 15 मिनट्स ये आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी को दम आ चुका है और अब हम इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे अपने राइस को। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी कीमा बिरयानी बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।